3 अक्टूबर 2021 किसानों को कुचलकर लखीमपुर खीरी जब रक्त रंजित हुआ तो मुख्य आरोपी के तौर पर एक नाम सुर्खियों में आया, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी। ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। ये झूठ घटना है और हमारा बेटा जहां पर कार्यक्रम था वहां 11 बजे से और घटना के बाद तक वहीं पर उपस्थित था। हजारों लोगों की भीड़ वहां होती है, पुलिस और प्रशासन के लोग होते हैं और सारे फोटो वीडियो ऐसे सारे प्रमाण हमारे पास है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मिनिस्टर अजय मिश्रा और उनके बेटे को गिरफ्तार करने की मांग उग्र हो चली है। फिलहाल वो खूनी कांड जांच की गर्भ में है और इन आरोपों में असल कसूरवार कौन है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन मंत्री टेनी के बारे में जानने की हर कोई दिलचस्पी ले रहा है। 6 जुलाई 2021, इस साल जुलाई की शुरुआत में अजय मिश्रा टेनी को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली, लेकिन तब उनके नाम की कुछ खास चर्चा नहीं थी। लेकिन आज लखीमपुर कांड को लेकर उनका नाम सुर्खियों में है। अजय मिश्रा उर्फ टेनी महाराज 2 बार खीरी लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। 2009 में राजनीति में आने से पहले वो एक वकील थे। उनका परिवार मूल रूप से कानपुर का रहने वाला है, लेकिन 90 के दशक में लखीमपुर आ गया। कुश्ती के शौकीन टेनी महाराज, मंत्री जी के पास उनके ही इलाके में एक पेट्रोल पंप, चावल मिल और कृषि भूमि भी है। टेनी को कुश्ती का शौक है और यूपी के तराई क्षेत्र में उनकी छवि एक मजबूत शख्स की है। मंत्री जी कुश्ती करवाने का बेहद शौक रखते हैं। साल 2003, सुनवाई के दौरान कोर्ट में हमला। 2003 में तिकुनिया नगर पंचायत में एक हत्या के मामले में उनका नाम शुमार हुआ और जब वो इसके सुनवाई के लिए कोर्ट में मौजूद थे तो उन पर जानलेवा हमला हुआ और इस हमले में वो चोटिल भी हो गए थे। बरी होने के बाद जमाए सियासत में पैर। हत्या के मामले में टेनी साल 2004 में दोष मुक्त हो गए और उसके बाद सियासी पैर जमाने शुरू किए। लंबी जद्दोजहद के बाद साल 2009 में आखिरकार जिला पंचायत सदस्य चुने गए। 2012 में उन्हें निघासन विधानसभा सीट से विधानसभा का टिकट दिया गया था, जिसमें उन्होंने बंपर जीत भी हासिल की। इसके बाद साल 2014 में उन्हें बीजेपी की ओर से लोकसभा सीट दी गई और यहां भी वो जीत दर्ज कर सांसद बन गए। वहीं साल 2019 में भी उन्होंने जीत का सिलसिला और अपना सांसद पद दोनों ही बरकरार रखे। बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा टेनी। हाल ही में हुई कैबिनेट की फेरबदल में टेनी एकमात्र ब्राह्मण चेहरा थे जिन्हें यूपी से शामिल किया गया था। माना यह भी जाता है कि क्षेत्र के एक और ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने से टेनी को मंत्री बनने में मदद मिली। बेटे को टिकट दिलाने की कोशिश। साल 2017 में टेनी ने अपने छोटे बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के लिए निघासन सीट से बीजेपी का टिकट मांगा, लेकिन पार्टी की ओर से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। फिलहाल लखीमपुर कांड में फंसे मोनू अगले साल विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर टिकट पाने की कोशिश में थे, लेकिन इस कांड से उनकी सियासी तस्वीर फिर बदल गई। किसानों को धमकी। मंत्री अजय मिश्रा की हाल ही में एक कथित वीडियो क्लिप भी वायरल हुई, जिसको लेकर उन्हें कुछ संगठनों का उग्र विरोध भी झेलना पड़ा। कुश्ती प्रेम में किसानों का कांड। मंत्री अजय मिश्रा हर साल बनबीरपुर गांव में कुश्ती का मैच आयोजित करवाते हैं और 3 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले थे। वाहनों का काफिला मौर्य साहब की अगवानी के लिए रास्ते में था और इसी दौरान लखीमपुर कांड वजूद में आया। एक लंबी और बेहतर सियासी पारी खेलने के बाद लखीमपुर कांड ने उनके सियासी करियर पर एक ऐसा दाग लगाने का काम किया है जिससे धुंधला होने में शायद अब लंबा वक्त लगे।